जैसे आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपति नाम में सपोर्ट लोगों में सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि लोगों ने और भी एक खास करके ये साल का आखिरी शनिवार हमारे लिए उपवास के लिए, ऐसे तो अगला हफ्ता हमारा अगला शनिवार है लास्ट शनिवार, लेकिन उपवास प्रार्थना में ये अपना आखिरी शनिवार है। वह उसमें भी उन्होंने हमको लेकर आया। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रिय जब भी मानव दौड़ आरंभ करना और उसको अंत करना भी कितना श्रेष्ठ बात है ना। खास करके हमारी एक संगति में एकत्रित होना बोलेगा तो ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। कितने लोगों को मानव चाहते हुए भी उसका अवसर नष्ट होता है, लेकिन प्रभु हमको ऐसा साथ दे करके हर एक संगति में मिलने के लिए मौका देता है, उसके लिए उत्साह देता है ना। कई लोगों को अवसर है लेकिन उत्साह नहीं, उत्साह बड़ा धन्य है करके वजन लाता है हमारे में। खास करके प्रभु के विषय में, आत्मिक विषय में, अनंतता का विषय में हमें उत्साह बढ़ना चाहिए है ना। प्रभु में आने के बाद में हमेशा उस अनंतता का दर्शन में हमें चलना चाहिए। तो आज प्रभु ने हमें दिया हुआ समय को हम सही इस्तेमाल करेंगे। आज का थोड़ी देर के मनन के लिए एक वजन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 7 वजन, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देखिए मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा इन दिनों में जीने वाला हमारे लिए ये वजन बहुत खास वजन है, बहुत खास वजन है। क्योंकि मतलब यहाँ पर लिखा है कि हरेक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। बोलने का मतलब अभी ज्यादा देर नहीं लगेगा, अभी हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हम सोचने से बढ़ करके प्रभु का आगमन निकट है ना। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का हरेक बातों में एक इशारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार अभी दुनिया संपूर्ण निधि में मतलब महाक्लेश की ओर जाने की तैयारी में, तो महाक्लेश आरंभ होने से पहले प्रभु अपना मंडली को लेकर जाएगा। तो उसका समय मतलब वो दिन वो वक्त कब है किसी को मालूम नहीं, तो इसलिए तैयार रहना हमारा काम है। इसलिए बोलता है कि अभी हरेक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत होने वाला बोलेगा तो अभी देर नहीं लेगा। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या है, तुम संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहना। देखा इसका मतलब क्या है कि आज आप अधिकतर लोगों के जीवन में मुझे सुनने वाला सब लोग अपना अपने आप को अपने जीवन की ओर देखो। मेरे जीवन में प्रार्थना के लिए मैं सचेत है क्या? प्रार्थना में मेरा जीवन कैसा है? मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है ना? मैं कितना समय प्रभु के साथ मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, मंडली की प्रार्थना में मैं शामिल हो पा रहा है? मेरे प्रार्थना जीवन पहले दिनों से बढ़ रहा है कि नहीं, या घटने वाला अनुभव है? क्योंकि समय देकर के अभी आपको मालूम है, अगर मतलब परीक्षा का समय हो गया फिर भी लोग तैयारी नहीं किया तो क्या परीक्षा लिखेगा? यात्रा का टाइम हो गया लेकिन तैयार नहीं हुआ तो वो ट्रेन हमारा थोड़ी इंतजार करेगा, वो चला जाएगा भाई। आप तैयार होने तक ट्रेन थोड़ी आपके लिए वेट करेगा ना। फ्लाइट तो तैयार है लेकिन आप तैयार नहीं, वो तो उड़ जाएगा भाई है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु का आगमन के लिए एक तैयार रहना है। ये बात प्रभु बार बार कहने वाला बात है, क्योंकि प्रभु के लोगों का एक बात क्या है कि जैसा इब्रानियों 9:28 में लिखा है, जो अपने लिए बाढ़ जोता है उनका अवस्था क्या है? बाढ़ जोने वाला अवस्था है ना। उनको बाढ़ जोने वाला लोगों को लेने के लिए आ रहा है। इसका मतलब मेरे जीवन में आज मैं प्रभु के लिए बाढ़ जो रहा है क्या? अभी हमें क्या चेतावनी की जरूरत है? दुनिया इतना पाप और बुराई में डूबते जा रहे हैं ना, अभी हद से बढ़ करके हम लोग कोई सोच ही नहीं सकता ना। हद से बढ़ करके पाप और बुराई में डूबते जा रहा है दुनिया। अभी भी जैसा अभी आपको मालूम है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का पहला वचन, अब हम लोग मतलब साधारण मतलब ध्यान करने वाला एक वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका पहला वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। देखो अभी समयों के बारे में कालों के बारे में लिखने का जरूरत ही नहीं। अभी हमको और ज्यादा टाइम मिलेगा या अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा? नहीं है ना, क्योंकि ये चारों दिन की अवस्था को देखो है ना।
प्रभु का मन प्रगट आगमन की चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऐसे है तो गुप्त आगमन उसे भी सात साल पहले होना ही है ना। मंडली का मन प्रभु के साथ जाने के लिए उस प्रगट आगमन से सात साल पहले होने वाला है, तो हम कितना आने के सावधान रहना। और एक प्रकार बोलेगा तो आपको मालूम है, जब पहला कोरिंथी में लिखा, पहला कोरिंथी सात अध्याय है उसका 29 वचन, पहला कोरिंथी उसका सात अध्याय का 29 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। देखा, अभी समय कम किया गया। अभी आपको बोलो, आज ये साल का बात में हम बात करेगा तो बोलेगा जल्दी चला गया। हमको ऐसे लगता है ना, जैसे कल परसों शुरू हुआ था, जल्दी खत्म हो गया। ये साल बहुत जल्दी खत्म हो गया। बात कहना, समय कम किया गया। देखो बहुत बड़ी बात है, अपने को मतलब अभी ज्यादा देर मिलने वाला नहीं प्रियो। अभी हर प्रकार हमें थोड़ा समय में, अभी आपको मालूम है कभी कभी परीक्षा में लेने वाले लोगों को एक मतलब घंटी बजा के बोलता है अभी तुम्हारा 10 मिनट रह गया। वो 10 मिनट, बाप रे, मैंने सोचा आधा घंटा है, फिर क्या बोलना पड़ता, स्पीड बोलना पड़ता है, जो भी अभी मतलब बाकी है उसको सब पूरा करना पड़ता। अभी वो सिग्नल हमको मिल चुका है। अभी हमको मालूम है जब से मतलब दुनिया भर में तितर बितर हुआ, इसराइल को प्रभु ने वापस लाया। आप देखिए कितना लंबा समय वो देश के लोग तितर बितर था है, उनको प्रभु ने वापस प्रभु के समय के अनुसार लाया। जब से वो आया तब से हरी झंडी लगाया गया, हरा झंडा मतलब ट्रेन शुरू होने से, यात्रा शुरू होने से पहले उधर से वो हरा झंडा दिखाते हुए आपने देखा ना, ऐसा हरा झंडा लगा लिया है। अभी वो मुंह होने वाला है प्रभु का समय के अनुसार, अभी कभी भी मुंह होगा है ना। 1948 में हरी झंडा लगा दिया, अभी किस घड़ी को भी उड़ा लिया जाएगा है ना। प्रभु के लोगों के प्रति हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए है ना, प्रभु का हरेक वचन, क्योंकि उन लोग एकत्रित होना जरूरी था, वो लोग एकत्रित हो गया है ना। अभी कभी भी प्रभु आकर के हम जा सकता है, लेकिन हम किस रीति में उसकी तैयार कर रहे हैं, समय कम में करके, क्योंकि अभी आपको मालूम है आधार आया, आधार आते ही समझ गया समय निकट आ गया। भाई मतलब आधार महीना बोलेगा तो एंड टाइम, मतलब इसराइल लोगों के अनुसार हमारे दिसंबर महीना, दिसंबर आ गया तो फिर नया साल है भाई। आधार आते ही लोगों को समझ में आ गया कि समय अभी थोड़ा ही रह गया है। आधार आ गया, इसके बाद में फिर क्या आ गया, फिंगर में, अरे काम फिंगर में है, अंगूठे दिखाओ, थम 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 पर देखो। अभी बोलता है अभी सारा कार्ड अभी एक कार्ड में हो जाएगा, एक कार्ड में, स्मार्ट कार्ड एक कार्ड में हो जाएगा। फिर बोलेगा कार्ड गुम होने का खतरा रहता है, इसलिए वो सब मिला करके चिप में आएगा। चिप ऑलरेडी तैयार हो रहा है, आप देखो मतलब ये सब हम लोग जाने के बाद में उनको शुरू करना है, और कई कई देशों में ये शुरू भी कर दिया। अभी आप देखो प्रयोग, ये सब आने से पहले प्रभु का लोग यहां से उड़ा लिया जाएगा। हमें एक बात को जानना है कि हम लोग कितना अधिक निकटता में है। अभी आप देखो ये कोई भावना कर सकता है क्या, नहीं नहीं, हम भावना करने से भी बाहर है, परंतु परमेश्वर का वजन कभी भी गलत नहीं होता। हो आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वजन में लिखा वो बात प्रियो कितना करेक्ट टाइम पर पूरा होता जा रहा है, बहुत अद्भुत बात है ना। एक एक बात देखोगे है ना, आदि में अंत जानने वाला प्रभु का वजन में लिखा हुआ हर एक बात सच्चे ना। इसलिए ये सब देखने वाला पीढ़ी है, पीढ़ी है ना, ये सारी बात अभी आपको मालूम है ना। मतलब कई जगहों पे कई रीति में मतलब लोग लापता हो रहा है, बोलता है लोग मतलब एलियंस आ रहा है लेके जा रहा है, कोई एलियंस नहीं आ रहा है, प्रभु आ रहा है, अभी वो कहीं ना कहीं बहाने में इन लोगों को दुनिया को बुद्धू बनाना ही पड़ता है ना। उसके लिए वो बोलेगा अरे कुछ एलियंस आया था, कुछ लोग लेकर गया, ज्यादा लोग जाने वाले नहीं, जाने वाला बहुत कम है। अभी आप देखो ना मतलब नासिक में मतलब कम से कम 22 लाख लोग है, उसमें से भी सच्चा विश्वास कितना है, उधार पाया वो अंकुली में गिरने वाला यही इंसान हो रहा है, यही इंसान लापता हो गया। अभी इसलिए आराधना में भी आने वाला कुछ लोग इसलिए आएगा, इसका उधार नहीं हुआ, इसको प्रभु के आत्मा नहीं मिला, वो भी अगले हफ्ते में भी संगति में आएगा, इधर आएगा तो इधर कोई नहीं रहेगा, क्या हो गया,
वो न्यूज पे सुनने में आया था एलियंस आया था, अरे कोई एलियंस नहीं आया, प्रभु आएगा, प्रभु अपने लोगों को ले, लेकिन एक आवाज आया था, प्रेज़ लॉर्ड, है बहुत बड़ी बात है प्रभु। अभी आवाज भी उनको सुनाई देगा मालूम नहीं, ये प्रभु के लोगों को सुनाई देगा, वो आवाज में हमारा नाम लेगा, जिसका नाम आज स्वर्ग में लिखा है उनका सबका नाम हमारा खानों में एकदम पड़ेगा, उसी क्षण रूपांतरों के उड़ा लिया जाएगा। कितना बड़ी बात है, मैं सोचता हूँ प्रभु का वो एक भेद का रूप में लिखा ना, है ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 वचन 52। ओ प्रभु यीशु, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, हम नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, देखा क्षण भर में पलक मारते ही, बहुत बड़ी बात है, अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या बात है प्रियो, ये बात होने जा रहा है, इसके लिए अभी देर नहीं लगेगा। अभी ये बात तो दुनिया के लोगों को बोलेगा तो उनको समझेगा नहीं, है ना। आज अगर हमें समझ में आ रहा है तो प्रभु का कृपा है। देखो हर एक बात, खास करके आत्मीय दुनिया में होने वाला बात के बारे में दुनिया को समझाने के लिए जाएगा तो वो लोगों को तो एकदम मूर्खता लगेगा। प्रभु का लोगों में भी जो आत्मीय में मतलब जो बालक दिशा में है, मतलब बचपना दिशा में है, उनको भी ये समझना मुश्किल है। एक ये बात सच बात है, मैं ये सोचता हूं ना, आज भी प्रभु का वचन सुनाने के समय में बहुत लोग उसको बहुत सीरियसली लेता नहीं, और तो ये बात होने वाला है। ये भी जैसे अभी नौने बोलते रहा कि देखो अभी भी मौका है, मन फिरो, बारिश आने वाला है, कोई नहीं विश्वास किया, अभी नौ का काल के जैसा काल में हम लोग पहुंच गए। लोगों कितना भी सुनाएगा तो उनको कुछ भी मानो मन फिरावट नहीं होता, है ना, मन फिरने के लिए तैयार नहीं होता। कितना दुखने की बात है, यहां पर भी भजन में है ना, देखो मतलब एक्लेशियस का किताब उपदेशक उसका 8 अध्याय का 5 वचन का बी पार्ट पढ़ना, एक्लेशियस चैप्टर 8 वर्स 5 उसका बी पार्ट। बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। क्या वचन है, बुद्धिमान का हृदय समय और कालों के बारे में जानता है। देखा कौन है बुद्धिमान, जो प्रभु का वचन सुनकर के ऐसा करता है, जो प्रभु का वचन सुनकर के उसको मानता है। प्रियो वो बुद्धिमान लोग इन बातों को समझेगा, ये दुनिया का बुद्धिमान की बात नहीं, दुनिया की ज्ञानी लोग ये बात नहीं समझेगा, पर जो प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान है। देखा आज प्रभु का दृष्टि में मैं बुद्धिमान है क्या, है ना, प्रभु मुझे देख करके मानव समाजी सच्चा विश्वास योग्य ऐसा बोलेगा क्या। प्रियो बुद्धिमान लोग बात को समझेगा। आज भी अगर हमें इस अवस्था को देख करके, आप देखो बहुत लोगों के जीवन में आत्मीय जीवन में एक ठंडा पैर, एक कमजोरी आया हुआ अवस्था है, खास करके देखो अभी आज इतना ठंडी में भी प्रभु ने आप लोगों को सबको सामर्थ दिया, है ना, मतलब कई लोगों को बहुत शरीर की तकलीफ होने पर भी आया, क्यों आया, प्रभु का प्रेम उनको भी पेश किया। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत आलसी लोग उन लोगों के जीवन को भी हम परखेगा तो ना, हमेशा कंप्लेंट, कुड़कुड़ाहट, है ना, उनको सोना अच्छा लगता। जब ये आपको सबको मालूम है, जब नीति वचन 24 अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो उसका आखिरी भागों में मतलब उसका तीर से पढ़ना, देखा वो आलसी भी है निर्बुद्धि भी है। देखो ध्यान से सुनना, उनके खेती के पास से जब गया तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। क्या भर गया, कटीले पेड़। अब देखना ऐसा लोगों के जीवन में है ना, अपन जब भी उनसे बात करने के लिए जाएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ बुराई बोलते रहते हैं, उसका इसका शिकाई उसका टुकाई, क्योंकि उनके दिल में नफरत और बहिर्भाव भर गया। आलसी है मनुष्य, उनको दूसरों को देख करके जलसी आता है, वो अपने जीवन में सुधारने के लिए तैयार नहीं। और आगे, और वह बिच्छू पौधे से डर गई है। बताओ जाओ भी जाएगा उसको सबको काटेगा, बिच्छू का स्वभाव देगा। और आगे, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है, तब मैंने देखा और उस पर
देखा, मैं उनको देख करके शिक्षा प्राप्त किया, क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, छोटी सी नींद और एक चक्की, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। देखा, लेटे रहना। आज भी लोग सोने में बहुत उनका उत्साह है, ठंडी है यार, मजा आता है कंबल के अंदर, अभी थोड़ा एक कवर पलटे मारते हैं, अभी टाइम बहुत है, तो मेरे को क्या है थोड़ा मुंह धो करके जाने का, तो ऐसा ऐसा सोच करके इधर पलटा उधर पलटा, फिर बाद में देखा 8 बजे, अरे अभी तो 8:30 हो गया, तो जाने तो और एक बार इधर पलटी मारेंगे, देखो है उसकी अवस्था देखिए। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, वो उनका आत्मीय जीवन कैसे रहेगा, कंगालपन अनुभव में रहेगा, और तेरी गति हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ओ देखा 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 प्रियो, एक आलसी मनुष्य है ना, हमारे जीवन में है ना, कभी भी आलसी पर नहीं आना चाहिए प्रियो। आप देखो, अगर किसी के जीवन में मैं उड़ने में देर हो गया, इसलिए मैंने मीटिंग में जाना कैंसिल किया, ऐसा कोई अवस्था आया है तो आप अभी भी प्रभु के सामने वो गलती कबूल नहीं किया, आपके जीवन में बाद में भी वो तूफान आ सकता है। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मैं वास्तव में तुझको ही भूल गया, प्रभु मैंने उड़ा देखा समय बोल करके मैंने अपने मानो इच्छा के लिए मैंने मानो सो गया और मैं आपको सम्मान नहीं किया, बहुत गहराई से पछताव करना चाहिए है? मैं आज किसी को पूछा, नाम नहीं बोलेगा, आदम को बनाया, आदम ने किसको पहले देखा है, आदम ने आदम को बनाने के बाद में जब आम खोला किसको देखा पहले, हवा को बनाने के बाद में हवा पहले किसको देखा है, किसको देखा, सच बोलो किसको देखा, हवा को बनाने के बाद में हवा पहले किसको देखा है, याद है आपको, इधर तो पहले भी बताया है, लेकिन कुछ लोगों को बार बार पूछा तो डाउट आ गया और मुझे आज जिसने उत्तर दिया वो बोला हवा ने पहले आदम को देखा, देखा विश्वासी है, प्रियो आदम को बनाया, आदम जब आग खोला परमेश्वर को देखा, पिता परमेश्वर को देखा है, हवा ने भी जब आग खोला पहले प्रभु को देखा, फिर प्रभु ने उनको आदम के पास लेकर आया, नहीं समझा, बहुत बड़ी बात क्या है, हमारा भी आम खोलेगा तो हम किसको देखना है, हाँ रोज पहले प्रभु को देखना, ओ प्रभु अभी तो मैं सोया था लेकिन आप नहीं सोया और आपने मुझको अच्छा नींद दिया, मुझे दुश्मन को छूने नहीं दिया, कोई विपत्ति आने नहीं दिया, ओ प्रभु आप मुझको देखते रहा, ओ देखा उड़ते ही आम खोल से प्रभु को पहले स्तुति करना पड़ी, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें अच्छा नींद दिया, प्रभु ने नहीं नींद देता तो कोई नहीं सोता, मैं आपको बताना चाहता हूं है ना, इसलिए इतना उपकार किया वो प्रभु को हम कितना धन्यवाद है ना, प्रभु अगर सुबेरे उड़ाया तो कितना धन्यवाद है, जल्दी उड़ करके प्रभु के उपस्थिति में जाकर के घुटने देकर प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु को महिमा देगा तो क्या होगा, प्रभु का दिल आपके प्रति आनंदित रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी वचन को सम्मान करता है, प्रभु का सम्मान करता है, प्रभु से वो व्यक्ति में सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य आएगा। आप एक एक वचन पालन करने के टाइम पर तुरंत वो व्यक्ति में प्रभु का एक सामर्थ्य आता है, ये बात सच्ची बात है। परंतु आप एक एक वचन जब त्याग देता है तुरंत प्रभु का दिल को दुख पहुंच जाता है, प्रभु का दिल को दुख पहुंच जाता है ना, बहुत बड़ी बात है, हमें हर एक बातों में प्रभु के वचन के द्वारा हमारा ये संबंध है, आमीन, है ना, ये वचन मानने के ऊपर ये, इसलिए आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन मानने से बढ़कर प्रभु का आनंद खुशी बात में है, ये वचन वाला नहीं भूलना, कौन सा, पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन, अब देखिए क्या ये ऐसा वचनों को है ना याद करके फिर काम करना, पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 वचन, ने कहा होमबलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है इतना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखा, बात तो माने जाने से जो प्रसन्नता, प्रियो पुराने नियम के अनुसार एक बैल चढ़ाने से बढ़कर प्रभु को प्रसन्न है,
की दुनिया में कोई भी जो काम प्रभु के प्रसन्नता के लिए करता है उसे बढ़कर के प्रभु को आनंद है। आप सोचोगे प्रभु की बात मानने में आज भी हम कान तक उलझाइए। एक भक्त का कर्तव्य है, आपको याद होगा जब भजन पांच भजन संहिता का तीसरा भजन में दाविद गाता है वो क्या बोलता है, देखा भोर को मेरी वाणी प्रभु तुझे सुनाई देगा। इसको बोलो मैं भोर को उठ करके प्रभु से विनती करेगा। आगे पढ़ा देखा तेरी बात होगा है, देखा प्रभु हमारी बात जो रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कब उड़ेगा। लेकिन प्रभु का दास बोलते हैं प्रभु मैं तेरी बात जोगा। वाह 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 देखा बोले का अर्थ क्या है, इतना सुबेरे उड़ करके प्रभु के लिए इंतजार में रहने के लिए प्रभु का चेहरा देखने के लिए वो तैयार था। क्या अनोखा बात है, मैं कई बार सोचता हूं मतलब दाविद का जो गवाही है ना, जब उसका सोना अध्याय जब भजन संहिता 16:8 में क्या लिखा, हाँ देखा प्रियो है क्या शब्द है प्रियो है, आप पढ़िए मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है देखा ऐसे लोग कभी भी नहीं डगमगाएगा। इतना अनोखा बात है हमारे जीवन में प्रभु के साथ का सच्चा संबंध भी हो। आज भी है ना पाप ने कितना भयंकर अंधारा अंधेरा लाया है ना, भयानक डर लाया, निराशा लाया, दुख लाया, सारे मनुष्य का सारे समस्या का कारण पाप है। परंतु हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु के प्रति कैसा एक उत्साही मन होना चाहिए, हमारा अनेक काम परखने वाला प्रभु का दृष्टि में हमारा काम आज कैसा है, हमें हिम्मत के साथ बोलने के लिए आना चाहिए। हमारा वजन 19:14 वजन ऐसा वजन वाला है ना, सोना सारा वजन है। हमारा भी दिल में हमारा भी जीवन में ऐसा गवाही रहना चाहिए। तो 19:14 वजन मेरा मुंह का वचन मेरा हृदय का ध्यान हो, और क्या चाहिए प्रियो है प्रियो, अभी भी हमारा हृदय की विचारों को भावनाओं को ध्यानों को प्रभु देखते हैं तो प्रभु को आनंद होता है क्या है, क्योंकि प्रभु क्या देखता हमारा हृदय देखता है। प्रभु की उपस्थिति में कितने लोग आया उनका गिनती नहीं लेता प्रभु, परंतु जो हृदय को लेकर आया जो हृदय से प्रभु को प्यार करता है ना उनको प्रभु देखता है। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति बड़ा बोझ है, प्रभु को पाने के लिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो हमारा दिल में एक नहीं वो स्वर्ग देखता है ना। मेरा हृदय का मेरे विचार मेरे होठों का शब्द देखा, जो हृदय से निकलता है वो मुंह से आएगा। तब दाविद बोलता है मेरे शब्द भी तुझे प्रसन्न योग्य हो, प्रभु प्रसन्न होने वाला बात मैं कहूं क्योंकि मैं प्रभु के सामने जीता हूं। कितना अनोखे बात है, रोज मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के बाट जो होते हुए प्रभु के साथ बात करके प्रभु को सामने देख करके मेरे दिल में प्रभु को ध्यान करते हुए मैं अनेक बात बोलता हूं। दाविद कहने का अर्थ हुए प्रियो आज का अवस्था आप देखो, बहुत विश्वासी लोगों का भी मुंह से आने वाला बात निराशा का शब्द है, बहुत दुखी और निराशा में क्योंकि उनको प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गिरावट हुआ। प्रियो हर पल हम प्रभु में रहना, आत्मा में रहना, आनंदित रहना, हमेशा हमारे ओठों से प्रभु को धन्यवाद देते जाना ये हमारे कर्तव्य है ना। कई बार हम लोगों को क्या लगता है कि दुनिया की रीति में हम लोग देखने लगता है, दूसरे लोगों का खुशी देख करके मतलब जलसी होने लगता है, फिर वो हृदय प्रभु का नहीं है ना। शैतान को जलसी आया था उन लोगों का खुशी देख करके, आदम बाबा का खुशी देख करके शैतान को जलसी आया, इनका खुशी को तोड़ना है ना, इसलिए वो काम किया। ऐसा बहुत लोग विश्वासी लोगों का भी जीवन में क्या है, दूसरे की खुशी देख करके उनको आनंद नहीं होता, वो निराश हो जाता, वो मन अच्छा नहीं, वो प्रभु का मन नहीं। हर पल हर लोग एकदम आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में हमें आनंदित रहना चाहिए प्रियो है ना। उसके लिए प्रभु ने हमें उद्धार किया, हमें अपना आत्मा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा में रहना बहुत लोग अभी तक नहीं सीखा प्रियो। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी की अवस्था देख करके हमें कितना रोना चाहिए, कितना बोझ रहना चाहिए, हम ये बात को समझ पा रहे हैं क्या। दानियल की किताबों में भी
एक अंत समय के लिए एक अच्छा चेतावनी है, उसका 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, दानी है 12 अध्याय का 10 वचन। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। देखिए, दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा। दुष्ट लोग अभी के समय की अवस्था को नहीं समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगी। देखा, बुद्धिमान लोग समझेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना, हम कभी भी लोगों को मिलने के समय में प्रोत्साहन देता है और भी संगति में आने के प्रति, और मानो एक अच्छा प्रभु से सामन पा करके प्रभु के लिए जीवन बिताओ। हमारे जीवन में यदि हम इस छोटा सा जीवन में प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, इवन बहुत बड़ा बात क्या है ना, प्रभु हमें प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले एक पात्र बनना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात में मतलब मुझे जब कल भी मैं विजिटिंग में गया था तो प्रभु ने कुछ बातों से मेरे से बात किया, वो बात किया जा रहा आपको मालूम होना चाहिए। प्रभु ने हमें सबसे पहले दिया हुआ मतलब तोहफा दान क्या था, आत्मा, है ना। बहुत गहरा बात है, पहला फल आत्मा, रोमियो 8:23 में लिखा है। केवल वही नहीं, हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। देखा, प्रभु ने सबसे पहले हमें प्रभु ने अपने आत्मा दिया। अब देखिए, क्योंकि प्रभु की आत्मा प्रभु ने क्यों दिया, आपको मालूम है प्रभु की आत्मा अगर नहीं है तो प्रभु का जन नहीं। मेन बात वो एक आइडेंटिटी है ना, आप प्रभु का बन गया उसका एक मतलब प्रूफ है। हिंदी में क्या बोलता, प्रूफ, सबूत है। आप देखो आज कितने लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, पर वो क्रिस्ती है क्या? नहीं, वो एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं प्रियो, वो क्रिस्ती नहीं है ना। आपका क्रिस्ती नाम है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं। आप बाइबल पढ़ता है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं है। आप मतलब चर्च में जाता है इसलिए क्रिस्ती है क्या? नहीं। ये सब नहीं है क्रिस्ती का मतलब सबूत। क्रिस्ती का सबूत एक ही बात है ना, रोमियो 8:9 का 9 वचन का भी पाठ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ देखो ध्यान से सुनना, यदि किसी भी व्यक्ति दुनिया में जीवता रहते हुए जो भी व्यक्ति में मसीह की आत्मा अगर नहीं तो वह उसका जन नहीं। देखो वो आपका बहुत सुंदर नाम होगा, शायद आपका नाम योहन्ना होगा, बहन होगा मरियम होगा या एलिजाबेथ होगा ना, मतलब बाइबल में बताए हुए नामों में कुछ श्रेष्ठ नाम प्रभु ने प्रभु का महिमा के लिए यूज किया हुआ। औरतों का नाम मतलब मर्दों का नाम योहन्ना, पीटर, स्तवानुस, नाम डालने से वो क्रिस्ती है क्या? नहीं है ना, नाम डालने से क्रिस्ती नहीं बनता हमारे में। जब तक जिस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, या उसको क्रिस्ती नहीं कह सकता है ना। एक व्यक्ति क्रिस्ती होना है तो उसमें उसका आत्मा चाहिए, बोलेगा तो उसका नया जन्म होना चाहिए, है वो नया जन्म पाया होना चाहिए, उसका उद्धार हुआ होना चाहिए, वो यीशु मसीह की चेला बना होना चाहिए, है ना। ऐसा क्रिस्ती नहीं कर सकता भाई। अब मालूम है बाइबल में सबसे पहले क्रिस्ती कहा गया अंतियोकिया में, अंतियोकिया में सबको क्रिस्ती नहीं गया, नाम देख करके नहीं बोला है। हाँ, वहां पर एक विशेष पद इस्तेमाल किया है, मतलब प्रेरितों का उसका 11:26 में लास्ट भाग में। हाँ, देखा, सबसे पहले अंतियोकिया में ही मसीह कहलाया गया, किसको? चेलों को। देखा, चेलों को। प्रियो, अभी भी आप देखो आप एक चेला है क्या? नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो बाप दादाओं से एक क्रिस्ती कुटुंब में, ऐसा कई लोग बोलता है क्रेडिट लेने के लिए। नहीं क्रेडिट मिलेगा, प्रभु की नजर में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है ना। हम रूढ़ी परंपरा से हम मसीह नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुन करके जब तक एक व्यक्ति प्रभु को दिल नहीं देता, अपना पाप कबूल करके मन नहीं फिरता, उसको ये इस अनुभव या इस पदवी नहीं मिलता, उसका उद्धार नहीं होता है ना। तो जो प्रभु ने
प्रभु को जिसको जिसने भी ग्रहण किया उनको प्रभु ने भी ग्रहण किया और उसी समय में प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा छाप डाला। हमें पवित्र आत्मा पहले दान में दिया, कितना बड़ी बात है। आत्मा क्यों दिया? अभी आपको मालूम है कई हम लोग ऐसा हमारा इसराइल में जाएगा तो वहां पर हमको एक गाइड मिलेगा, है ना, वो हमको जाने वाला मार्ग सब बताएगा, उधर का खूबी बताएगा, उधर का हमारा सविशेष सब बताएगा। वो गाइड के बिना हम अपनी मर्जी में चलते रहेगा तो कुछ भी नहीं समझेगा, है ना। ऐसा हम लोग ये दुनिया की यात्रा में परदेशी है, हमें क्या चाहिए? सच्चा गाइड चाहिए। स्वर्गीय यात्रा में जाने के लिए एक अच्छा गाइड चाहिए, वो गाइड है पवित्र आत्मा, है ना, वो गाइड है पवित्र आत्मा। प्रभु ने हमें वो पवित्र आत्मा, जब योगना 14 अध्याय का 16 वचन में, योगना 14 अध्याय का 16 वचन, एक और तुम्हें एक सहायक देगा। देखिए ये सहायक सर्वदा साथ रहेगा, सर्वदा साथ रहेगा, इतना ही नहीं है उसका 16 अध्याय का 13 वचन, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखा, यही तो बात है ना, सब सत्य के मार्ग बना करके सच्चाई के मार्ग में आपको ले चलेगा। अब एक प्रयोग मूल्यवान बात है कि नहीं है, आपको जिस मार्ग में चलना होगा उस मार्ग का आपको अगुवाई करेगा, आपको बुरे मार्ग में जाने नहीं देगा। वो सत्य के मार्ग में हमको ले जाने वाला पवित्र आत्मा है, सत्य की आत्मा है। देखा, वो पवित्र आत्मा का एक और नाम है सत्य की आत्मा। देखिए वो हमें सच्चाई में चलाएगा, गलत मार्ग में वो अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए हम लोग एक बात को जानना, हम आत्मा पाया बोलना काबिल नहीं पियो। आत्मा पाया है तो क्या करना चाहिए? रोमियो 8:14, है ना, जो भी आत्मा पाया वो अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना। या हमारा 8:14 में क्या पढ़ता, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का जन्म। अब देखिए सबूत हो गया, सबूत हो गया, कौन है प्रभु का जन? जो आत्मा के अनुसार चलता है। अभी मसीहों कौन है? इसमें मसीह की आत्मा है। मसीहों कौन है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, आज हमें अपने जीवन में पार कर देखना है। मैं उद्धार पाया करके कहता है, पर जो मैं आज उस आत्मा के अनुसार चलता है क्या, है आत्मा मुझको ले चलता है क्या? प्रियो, आत्मा ले चलना कितना जरूरी बात है। आत्मा क्या कहता है वो सुनने वाले लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। आत्मा फिलिपस को कहा तो मुझे से उड़ो, तो परिसर में जाओ। देखा, आत्मा ने कहा वो सुना हो गया, बहुत बड़ी बात है। आत्मा पत्रस को बोला उनके साथ जाओ, पत्रस उनके साथ चल पड़ा। प्रियो, आत्मा हमारे से कहता है कि नहीं? आत्मा का वाणी सुनता है क्या? आज बहुत लोगों को पर ऐसा अनुभव नहीं, इसका मतलब एक्चुअली उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये हमें संदेह करना पड़ेगा। प्रियो, प्रभु की आत्मा के अनुसार हमें चलना है। अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता तो फिर हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलता, तो प्रभु का वचन क्या बोलता? निजी वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु, विनाश मिलेगा, विनाश मिलेगा प्रियो, मृत्यु मिलेगा। प्रियो, हमको अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं जाना। हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के आत्मा पावे लोग, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। आज कितने लोग ये गवाही दे पाएंगे, हाँ मुझे प्रभु के आत्मा ने अगुवाई किया, आज भी प्रभु ने मुझे जगाया और मुझे प्रभु ने लेकर यहां पर आया। बिल्कुल प्रियो, ये कोई एक साधारण बात नहीं, आज संगति में जाने का इच्छा तक प्रभु ने दिया ना। कई बार कई लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन उनका इच्छा नहीं, तो उनका इच्छा नहीं तो उनकी इच्छा पर चलता है। ये इच्छा करने का प्रभाव कौन करता है ना? फिलिपियों 2:13 आपको याद है? मैं ये वचनों को क्यों आपको बताता हूँ, मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ बहुत लोगों को ऐसा वचन भाई घाट है, लेकिन कभी कभी कई लोग भूल सकते हैं, इसलिए वचन रेफरेंस आपको याद दिलाता है।
क्योंकि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, तुम्हारे मन में इच्छा और काम, इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला, प्रभाव डाला। देखा, प्रभाव डाला। देखा है ना, देखो प्रियो में एक बात है, मतलब आज सवेरे सैटरडे मॉर्निंग प्रभु को उपस्थिति में मुझे जाना है, उसके लिए इच्छा कौन दिया? हम लोग कल खाना खाते खाते इच्छा आया, ऐसा है क्या? नहीं है ना, ये खाने के पीछे मिलने वाली इच्छा नहीं है, ये इच्छा तक मतलब प्रभु ने हमें दिया है। ओ, अगर प्रभु हमें रोज ऐसे इच्छा नहीं देगा तो देखो अभी आज हम यहां तक आया, बिल कौन दिया? प्रभु ने दिया ना। प्रियो, प्रभु के दिए हुए बिना कुछ भी नहीं, लेकिन सब लोग ये बात को नहीं मानते क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु को नहीं जानता। लेकिन जो प्रभु को जाना उनको मालूम है, देखने की शक्ति प्रभु देता, बोलने की शक्ति प्रभु देता, क्योंकि बिल प्रभु की ओर से। अबे लिखने के लिए पेन निकाल कर लिखने के लिए ताकत कौन देता? टाइगर दबाने का ताकत कौन देता? प्रभु देगा, नहीं तो हाथ ऐसे रहेगा, इधर तक हिलाने का ताकत प्रभु देता। अभी क्या है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि नहीं मैं मोटा तगड़ा है, मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता भाई, है ना। मैंने आपको कितना बार गवाही दिया, मैंने साथ मैंने मेरे उस समय में प्रभु एक सबक सिखा रहा था ना, एक अच्छा फाइलमान था नेत्राम बोल करके यूपी का, वो हर एक के साथ कभी भी मिलता है, वो थोड़ा उनके साथ गुस्ती करके उसको एक बार गिराएगा रहे तो उसको तसली नहीं आता, ऐसे ही आदमी था। एक दिन क्या हो गया ना, सुबह गया तो वो चाव पर लेटा हुआ है, वो उड़ नहीं सकता, कंप्लीटली पैकेज, सब लोग हैरान हो गया। अरे कल भी इतना मेरा हंसी मजाक करके, वो हमेशा बहुत हंसा मजाक कर, ऐसे किसी के साथ कोई दुश्मनी में नहीं, कोई गुस्सा में नहीं उसका, बहुत प्यार है उसको, है ना, बहुत प्यार का व्यक्ति था। लेकिन एक दिन वो उड़ नहीं पाया और दो दिन में खत्म हो गया। देखा है, मतलब हॉस्पिटल में लेकर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। देखो इतना जवान व्यक्ति, वो मानव 42 साल का होगा मैक्सिमम। आप देखो प्रियो, हम लोग कितने ऐसे लोगों का जीवन को देखता है ना, हमें प्रभु एक एक दिन चला रहे हैं प्रियो, है ना, एक एक दिन। आज भी प्रभु ने, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने के एक भूख का समय चाहिए, ऐसा तुम्हारे को पुत्रों को बोलने वाले शब्द आपको याद है 42 भजन संगीता की एक दो भजन, ऐसा भजन है ना, क्या दिल को छू लेता है प्रियो। आपको मालूम है जब हिरण को, मतलब या हिरणी को जब प्यास लगता है ना, फिर वो रुकता नहीं, भागता है वो, जब तक जल का स्रोत नहीं मिलेगा तब तक भागते ही रहता। अभी खोरे पुत्र लोग बोलता है, हमारा भी दिल में प्रभु तेरे को पाने के लिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए, तुझसे मिलने के लिए हमारे अंदर एक हरणी की प्यास जैसा प्यास है। सच है क्या? सच में है क्या? है ऐसे एक प्यास है क्या? है प्रियो, प्रभु का आगे पढ़िए सिस्टर। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। देखा, ऐसे ही एक हरणी को जैसे प्यास होता, ऐसे मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। देखा, जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं? देखा, कब जाकर के मैं प्रभु को मेरा चेहरा दिखाऊं? कितना बड़ा प्यास है प्रियो, हमारे अंदर ऐसा प्यास है क्या प्रियो? हम उधार पाए हुए लोगों को उस प्रभु की उपस्थिति में आने में, है ना, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से देखते हुए, प्रभु से मिलते हुए आनंद मनाने में हमको इच्छा है क्या? दिल की गहराई से, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात, प्रभु ने हमें क्या दिया? आत्मा दिया। और क्या दिया मालूम है? प्रभु ने योहन्ना का सुसमाचार 17:8 में पढ़ता है, योहन्ना 17:8 ये किस लिए? क्योंकि जो वचन मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। देखा, ये एक बड़ा बात है प्रियो, प्रभु ने हमें दोबारा क्या दिया? वचन दिया, ये वचन दिया प्रियो। हमारे लिए अगर ये वचन नहीं मिला होता तो आज हमारा अवस्था क्या होता? आज हम जो भी जानता है ये वचन के द्वारा है। प्रभु का ज्ञान हमें कहां से मिला? ये वचन के द्वारा मिला, है ना। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है प्रियो,
वचन, वचन का गौरव लोग नहीं जानता। इस वचन आने पर हमें प्रभु का सच्चा पहचान मिला, है ना, वो प्रभु का ज्ञान। आपको मालूम है ना, पहला शामूल तीसरा अध्याय के 21 वचन है, मानो देखो प्रभु अपने आप को कैसे प्रकट करता, वचन के द्वारा, वचन की द्वारा। थोड़ा पढ़िए जिसको मिल गया। अपने वचन के द्वारा प्रकट किया, बहुत बड़ी बात है ना, वचन की द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करता। इसका मतलब प्रभु प्रभु के लोगों को वचन देता, वो वचन वो लोग क्या करता, अपने दिल में रखता, उसमें उसको प्रकाश मिलता है ना, प्रभु का सच्चा ज्ञान मिलता। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत उदार पाए लोगों के अंदर दिल में वजन नहीं है ना, वजन उनका दिल में नहीं। ये वजन हमारा बुद्धि में रहने के लिए दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अपने दिल में है ना। जब कोलोसियों 3:16 में लिखा है, मसीह की वजन हो तो इसे तुम्हारा दिल में बसने दो। कहां पर बसने दो? अपने हृदय में, अपने हृदय में है, अपने हृदय में प्रभु का वजन होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, 1% नहीं, 2% नहीं, 100%, 100% एकदम वजन से हमारे दिल को भरना। इसलिए वजन जब भी सुनता है, मैं आपको बोलता हूं, उन वजनों को अपने हृदय में से जाने नहीं देना, इस वजन को अपने हृदय में रखना है, उसको दिन रात मनन करना। 119:11 आपको मालूम है, 119:11 क्या बोलता, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरे वजन को मेरा हृदय में रख छोड़ा है, मेरा हृदय में रख छोड़ा है। ओ कितना अच्छा बात है प्रियो, है ना, प्रभु के लोग प्रभु का वजन को है, ओ बाइबल को तकिया के नीचे रख करके सोएगा तो नींद आएगा, ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो, वजन हमारे हृदय में रहना, हमारे हृदय में। आज हृदय में वजन नहीं होने के कारण लोगों के हृदय में पूरा दुनियादारी है, और वो कैसा प्रभु को महिमा देने वाला जीवन बिताएगा, बहुत दुख की बात है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं सफल होता मालूम है ना, जब योशुआ के किताब में प्रभु ने उनको समझाने के नहीं पर पहला अध्याय का 8-9 वचन में, देखिए प्रभु के वचन पर दिन रात ध्यान करना क्या फायदा होगा, इसलिए कि जो कुछ उस पे लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से सब काम सफल होगा प्रभावशाली होगा। ओ कितना अनुकूल बात है प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है प्रियो, है सत्य है। आज प्रभु का वचन मानने में, उस वजन में ध्यान दिन रात ध्यान करने के लिए कितने लोग तैयार है? वही बात तो पहला भजन संहिता में भी लिखा ना, पहला भजन संहिता का उसका 2-3 वजन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, जो सच्चा प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति की अवस्था है, प्रभु का व्यवस्था मीन्स प्रभु का वचन, प्रभु की वजन पर दिन रात ध्यान किए रहता। आज हमारा ध्यान क्या है प्रियो, ये बात को देखो, क्योंकि प्रभु का वजन पवित्र लोगों के लिए पाप के लिए दीपक अपने मार्ग के लिए उजियाला है। 119:105 ये सब वचन आपको मालूम है ना, ये सारे वचन प्रियो, वचन है हमारे लिए, हमारा मार्ग के लिए है, इस अंधकार भरा हुआ पाप भरा हुआ दुनिया में वचन हमारा मार्गदर्शन है। आज सही रीति में उस प्रकार का एक अनुभव है क्या है, हमारा विरोधी शैतान के साथ लड़ने का हमारा हथियार क्या है? वचन है, ये वचन रूपी तलवार है, ये हमारे पास कितना मजबूत होना चाहिए है, ये वचन हमारा रोज का खाना पीना है, तभी मसीह अपना रूप बनेगा। इसलिए प्रभु ने वचन दिया, यीशु मसीह हमारे भी आने के बाद में यीशु मसीह उसका ओरिजिनल रूप में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वजन। इसलिए प्रभु हमें वजन खिलाता है, वजन खिलाता है, और इतना ही नहीं, हमारे जीवन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी वजन चाहिए, ये वजन हमें शुद्ध करता है। योगना 15:3 है ना, आपको मालूम है हमें शुद्ध करता है, उसका सामर्थ्य रखता है,
केवल न 17 का 17 और वजन के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है, है? तूने शुद्ध कर, तेरा वजन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वजन सत्य है। ओ क्या बात है प्रभु, मंडली को हर प्रकार शुद्ध करने के लिए ये वजन रूपी जल स्नान करता है। एफेसियों 5:26-27 इसी प्रकार का कमी घटी ना रहती हुए प्रियो हमें पूर्ण में शुद्ध करने वाला बात यह वचन है। इसलिए प्रभु ने हमें आत्मा दिया, साथ ही साथ क्या दिया? वचन दिया। प्रियो आज वो वचन हमारे अंदर है क्या? आप उस वचन में बना रह पाता है क्या? एक सच्चा मसीह जीवन मिला रहे क्या? है ना, आज बहुत लोगों का प्रार्थना तक प्रभु क्यों नहीं सुनता मालूम है? एक ही बात है प्रियो, वचन अंदर नहीं, वजन अंदर नहीं तो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। योगना 15:7 आपको याद होगा, यदि तुम मुझ में बने रहो, देखा मेरा वजन तुझ में बना रहे, तब जो चाहो मांगो हो जाएगा। देखा इसका मतलब प्रभु के वजन हमारे अंदर है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो मांगने का तक जरूरत नहीं आता, उसे पाने प्रभु दे देता। अभी वजनों को थोड़ा ध्यान से समझो प्रियो, इस वजन की श्रेष्ठता जानो। अभी भी हमें कितना अच्छा समय मिलता है, लेकिन लोग कथा कहानियों के पीछे दुनियादारी की बातों में टाइम कितना वेस्ट करता। प्रियो वो समय मूल्यवान समय, उनको वजन ध्यान करो, है ना, वजन के बारे में वजन के वजन शेयर करो, है उसको व्यापार करो, उन्नति हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ये वजन रूपी दूध हमें रोज पीना है, ये वजन रूपी खाना हमें रोज खाना है, क्योंकि हमें यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। फिर तीसरा प्रभु ने क्या दिया मालूम है? तीसरा प्रभु ने हमें जीवन दिया। बहुत बड़ी बात है, अरे योगना 10:28 ओ प्रभु यीशु, मैं तुम्हें अनंत जीवन उन्हें देता हूँ। देखा प्रभु ने हमें और दिया वधान है अनंत जीवन। बहुत बड़ी बात आ रही है ना, हम लोग हमें हमारा मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए उसके बारे में सही अर्थ में जाना हुआ लोग बहुत कम है, सही अर्थ में हमें मारे जाना हुआ लोग कम है ना। अनंत जीवन, अनंत जीवन का अर्थ क्या है? अनंत जीवन मेरा हमेशा का जीवन, उसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं, आदि भी नहीं अंत भी नहीं, आदि के अनंत जीवन है वो, प्रभु का जीवन है, वो प्रभु का जीवन है, वो प्रभु में ही वो जीवन है, प्रभु ने वो जीवन हमें दिया, वो जीवन प्रभु ने हमें दिया। आप देखिए हमें मिला हुआ जीवन का वो मतलब सफिशियंटता आप देखिए, देखो भाव में मरने वाला भी आनंद काल तक मरेगा नहीं, एक प्रकार बोलेगा तो मतलब उनका आनंद जीवन है करके मैं नहीं बोलता, वो एक आनंद का मृत्यु का अनुभव में आनंद मृत्यु में हो लो, है ना, मतलब सबसे बड़ी बात मृत्यु का अर्थ क्या है? प्रभु से अलग होना, प्रभु से अलग होना, तो प्रभु से हमें कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा, हम आनंद जीवन में है। जो लोग आनंद जीवन में प्रवेश किया, लेकिन एक बात मैं आपको बताओ, आज एक व्यक्ति में अनंत जीवन है कि नहीं कैसे मालूम? एक व्यक्ति अनंत जीवन पाया है तो वो व्यक्ति अनंत जीवन में जी रहा है कि नहीं, उसमें अनंत जीवन है कि नहीं कैसे मालूम? हमारा कई मतलब जीवन में कई शरीर में कई भाग में वो अनंत जीवन डाला है क्या? नहीं डाला। अनंत जीवन जिसके पास है उसके पास पुत्र है, यही एक समस्या ना, उसका 5:11-12 देखो प्रियो, एक बात, ये मरने के बाद का बात नहीं है, ये जीवन में जीते हुए पा करके जीने वाला बात है। आप इसको बहुत अच्छा समझ लीजिए, इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा जब स्वीकारता है उस समय में प्रभु हमारे जीवन में आता। जब प्रभु हमारे जीवन में आ गया तो क्या लेकर आया? अनंत जीवन लेकर आया, इसलिए वो वजन गाता है 11 वापस पढ़ना 11:12 हाँ, वह गवाही यह है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो अभी दिया है, अभी आगे को ध्यान से सुनना, और यह जीवन ये जीवन उसके पुत्र में है।
हाँ उसका पुत्र मीन्स किसके में है? प्रभु यीशु मसीह है उसके पुत्र में है। आगे देखो ध्यान से, देखा वहां पर बात है, जिसके पास पुत्र है सिर्फ उसके पास जीवन है। इसलिए मैं शुरू में बोला इसमें मसीह की आत्मा नहीं हो, मसीह का जन नहीं। देखा जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। आगे जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इसके मतलब क्या है फिर? आज यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं? मेरे विश्वास की यात्रा में मैं कभी भी विश्वास को कभी भी तुच्छ नहीं करना है। विश्वास में बना रहना। बहुत लोग विश्वास त्यागी बन जाएगा, विश्वास त्याग होगा है ना। पहले वह चार एक में लिखा है, अंत समय में क्या होगा? विश्वास त्याग होगा। ये प्रभु का आत्मा ने क्लियर बोला। लेकिन मेरे जीवन में मैं विश्वास में रहना, जो विश्वास में है। इसलिए जब दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा? अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। देखा, तुम जांचो परखो, तुम विश्वास में है तो यीशु मसीह तुम में है, अरे तुम विश्वास में नहीं है तो तुम निकम्मा निकला। क्योंकि एफेसियों 3:17 में लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह तुम में बसे। क्या वचन है प्रियो, विश्वास के द्वारा। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, हमारे जीवन में हम लोग ये बात को समझता है क्या? आज जो उधार पाए हुए लोग, अभी देखो बहुत मानव गौरव का बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सब गौरव का बात है, थोड़ा मानव आत्मी गहराई की बात है, साधारण लोग ये बात नहीं समझेगा। लेकिन अभी आप देखो, आप बोलता है मैं उधार पाया, मैंने प्रभु की आत्मा पाया, मैंने प्रभु को आत्मा पाया, इसमें प्रभु का जीवन पाया, यीशु मसीह आप में है, प्रभु का जीवन पाया। पर जो आप प्रभु का जीवन में जीता है क्या? क्योंकि आपने प्रभु को पाया, आपने आत्मा पाया, आपने वचन पाया, आपने जीवन पाया, पर जो आपको आप प्रभु में जी रहे क्या, या प्रभु आप में जी रहे क्या, ये जानना। आज आप कौन सा जीवन में जीता है? देखो प्रभु में आया हो व्यक्ति, वो जो हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो जीवन खत्म हो गया, अपना जीवन खत्म हो गया। अभी हमारे पास वास्तव में हमें किसमें जीना चाहिए ये जानना। देखो अनंतता में प्रतिफल पाना है तो ये विषय को बहुत गहराई से जानना है ना। जब कोलोसियों का पत्री 3:4 तो देखा, तुम मर गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जीवन खत्म हो गया, हमारा जीवन खत्म हो गया ना। फिर आज वो जीवन कहां गया? वो मसीह में पिता में छिपा हुआ है। देखिए वो वचन पूरा पढ़िए, अरे 3 वचन पूरा पढ़िए। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा खत्म हो गया ना, वो बात खत्म हो गया ना। फिर अभी आगे, अभी फिर हम इतनी जी रहे तो कैसे जी रहा है? आगे 4 बजे जब मसीह जो हमारा जीवन है। देखा मसीह जो हमारा जीवन है, अभी हमारे जीवन कौन है? मसीह। सच में है क्या? थोड़ा सा सोचो, मसीह वचन कहता है तो सच ही कहता है ना। प्रभु में आया हुआ हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना पड़ियो, अभी जो हमारे जीवन कौन है? यीशु मसीह है। जो हमारा जीवन मसीह जीवन, मसीह को जीने वाले जीवन, या मसीह हमारे में जीने वाला जीवन, वो जीवन में जीने वाले लोग मसीह के आगमन में जाएगा, यही तो जानना है। देखा हम जब तक प्रभु में नहीं था, प्रभु को नहीं जानता था, हम अपने लिए जिया, और जो प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद, फिर किसके लिए जीना? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए जीवन बिताना वो हमारे जीवन से नहीं, प्रभु के जीवन से। उसके 4 बजे वापस पढ़ो, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखा मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, जब प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। देखा इसका मतलब, जिसका जीवन मसीह बन गया, जो मसीह के जीवन से जीता, मसीह के आगमन में वो भी मसीह के साथ प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा? जो मसीह के जीवन से जीने वाले लोग। अभी आप देखो, मैं हमेशा
बहुत सरल रूप में समझने के लिए एक दृष्टांत बताता हूँ, है ना। मतलब कौवा का स्वभाव काम रहे उसके जीवन में, बिल्ली के स्वभाव काम रहे बिल्ली के जीवन में, कुत्ते का स्वभाव किस पे है कुत्ते के जीवन में, मनुष्य का स्वभाव काम रहे मनुष्य के जीवन में, तो परमेश्वर का स्वभाव काम रहे परमेश्वर के जीवन में। तो हमें क्या मिला? परमेश्वर का जीवन मिला। हमें क्या मिला? ये जो आनंद जीवन किसका है? परमेश्वर का जीवन है। हमको आनंद जीवन मिला तो फिर स्वभाव किसका होना चाहिए? देखा अभी हमने और प्रभु का जीवन पाया और जो स्वभाव अभी भी कुत्ते का है, क्या फायदा? इसका मतलब देखो, एक पेड़ को कैसे समझने के लिए बोला प्रभु ने? फल से मत्ती के समझ आप उसका 7:16-20। देखो ये बात सब हमें समझने वाली बात है। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, हरेक को जो हम पहचानना, कैसे पहचानना? फल से। अभी आप देखो, एक पेड़ में आम है पर तो हमको पेड़ का पत्ता देख करके लगता है, अरे यार ये तो आम का पेड़ नहीं एप्पल का पेड़ है, पर जो आम कैसे आया है? एप्पल का पेड़ में आम आएगा क्या? फल क्या है? फल आम है तो वो आम का ही पेड़ है, नहीं समझा? फल आम है तो आम का ही पेड़ है। फल देखो, क्योंकि प्रभु ने क्लियर वो बात पर समझाया। आगे पढ़िए, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारे तोड़ते हैं? नहीं तोड़ता। इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। देखा, अच्छा पेड़ अच्छा फल, उसका ही फल देगा। और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखा, निकम्मा पेड़ है तो बुरा फल देगा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, तुम कैसे पहचानना? उनकी फलों से पहचानो, उनकी फलों से पहचानो। देखो क्लियर प्रभु बोलता है, इसका मतलब क्या है ना, हमें हरेक लोगों का मतलब जिंदगी का फल देखना है, उसका फल कैसा है। आत्मा पाए हुए लोगों में क्या होना चाहिए? आत्मा का फल। क्या होना चाहिए? आत्मा का फल। पर तो कई लोग उधार पाया है, हमेशा पंख टूटा हुआ पक्षी समान, ऐसे हो सकता है क्या? अरे मैं समझ गया, मैं मानता हूं हमारे जीवन में बहुत प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा। प्रभु ने बोला ना, कष्ट से जीवन बिताओ, नहीं बोला? कष्ट आ गया बोल के दुखी होना है क्या? नहीं, आनंद करना है। कष्ट कई प्रकार आता है, कष्ट भी कई प्रकार आता है, है? एक मार्क आने वाला बात करेगा और मार्क आएगा कष्ट आया उसमें कोई फायदा है नहीं। जब पहला पत्र दूसरा अध्याय 20 में लिखा है, क्या लिखा? पहला पत्र 2:20। यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, देखा, अपराध करके मार्क आया तो, और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात? क्या बड़ाई की बात है? मार खाना ही था किसी के साथ, मतलब मैं तो तुम्हें कुछ गालियां दिया और उसने उठाकर मारा, तो फिर मैं प्रभु के लिए मार गया, ऐसे ही क्या? नहीं, वो तो आपका गिलती है भाई, है आपका गिलती है। उस मन क्या है कि कई प्रकार का कष्ट आता है ना, कई रीति में। एक हम प्रभु के लिए कष्ट सहता है, उसका सम्मान है। कुछ हम प्रभु में आने से पहले जैसे हम शराब पीते रहा, अभी अल्सर आ गया, नहीं तो मानो कुछ और बीमारी आया, वो पहले किया उसका फल है। आपका पूरा आपने शराब पी करके हथौड़ा तोड़ दिया और प्रभु में आया, लेकिन बीमारी कहां जाएगा? आपने पहले किया ना, उसका फल ले। कई बात प्रभु आपको कुछ कष्ट होने देता, वो क्या है? शैतान को हराने के लिए और आपका अधिक सम्मान करने के लिए। हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आता है, ठीक है ना, लेकिन प्रभु के लोग कोई भी कष्ट में आनंदित रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है सब मिला करके भलाई होगा, क्योंकि ये सब मेरा प्रभु मेरा स्वर्गीय पिता जाने भी नहीं आता। एक बाल भी गिरता है तो प्रभु का मना अनुमति चाहिए। इसलिए हम कुछ भी बात हो, वो पुराना बात हो, अभी की बात हो,
होने वाले बातों के लिए हो, कैसे भी हो मान दे दे, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में, प्रभु हमें बना रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो यहां पर एक खास बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, है ना, आप स्वर्ग में जाने के टाइम पर प्रतिफल पाना चाहता है ना, है ना, क्योंकि देखो स्वर्ग में अनंत काल में छोटा बड़ा है, है ना, महिमा में फर्क है, हमें मिलने वाला स्वभाव में फर्क है, हमें मिलने वाला मुकुटों में फर्क है, ये सब वचन में मिला है वो बातें, है ना। तो आप क्या चाहता है, आप उधर जाने के टाइम पर कुछ भी नहीं, कुछ भी इनाम नहीं है, फिर क्या होगा? अरे मैंने बहुत अच्छा समझ के मैंने ये किया था, वो किया था, मैंने किया था, सब गया, नहीं समझा। अभी आपको ये जानना है, प्रभु के उपस्थिति में अगर आपको प्रतिफल पाना है तो, है ना, आप नहीं जीना, यीशु मसीह जीना, यीशु मसीह जो आपके जीवन में कर पाया उसका आपको इनाम है, नहीं समझा। अभी आपने किसी को मदद भी किया होगा, यीशु मसीह किया होना चाहिए, आपने किया वो जल जाएगा, वो लकड़ी घास भूसा है, और जो प्रभु ने किया वो आपको प्रतिफल मिलेगा। इसको मतलब मैं कोई अच्छा काम करता है तो मैं कर रहा है या प्रभु कर रहा है, मैं कर रहा है या प्रभु कर रहा है। अभी ये बात को कैसे आप समझेगा, ये भी एक बात है ना। अभी अभी जो भी करना मेरे हाथ से तो करेगा, नहीं तो मतलब मेरी द्वारा करेगा, पर तू वो मैं कर रहा है प्रभु कर रहा है कैसे मालूम, कैसे मालूम? एक आपको आइडिया है, मैंने ये सब आप लोगों को क्या नहीं सिखाया आप लोगों को, लेकिन आप लोग भूल जाता है, थोड़ा कुछ किसी चीज का कुछ कुछ आया, जो आपने किया आपको हमेशा याद रहेगा, और जो प्रभु आपके द्वारा किया आपको याद नहीं आएगा, आप भूल जाएगा, कितना अच्छा काम किया आप भूल जाएगा। मतलब आपने किया वो सब भले कब आपको याद है ना, आपने किया। स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझ में आया, पर जो प्रभु ने आपके द्वारा जो किया वो आपको याद नहीं, उसका मिलेगा। ऐसे कुछ काम है क्या जिंदगी में, है ऐसे कुछ काम है क्या जिंदगी में? अरे हम प्रभु के जीवन से जीते हुए प्रभु ने हमारे में काम नहीं किया, काम करने के टाइम प्रभु को हटा के काम नहीं किया, हम आगे आया, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरी तरफ से नहीं गया प्रतिबल, सब काम प्रभु को करने दो। अगर आप प्रभु को करने लायक है, आप अपने आप को प्रभु को सौंप दिया तो आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, उसका सारा प्रतिफल आनंद के लिए आपको मिलेगा। इसका रहस्य समझ में आया, को कम से कम ऐसा करना क्यों ऐसे ना। हम लोग अभी कई बार क्या सोचता है, मैं इतना अच्छा काम करता है, प्रभु के लिए इतना हार्ड काम करता है, तो लोग मेरा भी काम जानना चाहिए ना, मैं भी कुछ हमारे प्रभु के लिए करता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, दुनिया जानना चाहिए, मेरी भाई बहन नहीं, घर के लोग नहीं, मंडली के लोग नहीं, सारा दुनिया जानना चाहिए। इसलिए थोड़ा जाने अनजाने हम लोग थोड़ा करते 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 भूल जाता है, ढूंढ गिर जाता, जीरो में आता। पर तो हमारे जीवन में यीशु मसीह जीते हुए ऐसा बात आएगा तो प्रशंसा पूरा प्रभु को मिलेगा, और हम कहीं से भी थोड़ा प्रशंसा पाने के लिए चाहत करेगा, लोग मुझे पर आज बहुत अच्छा संदेश था ऐसा सुनने का मेरे दिल में इच्छा रहेगा तो मैंने प्रभु का महिमा नहीं किया, लोगों को प्रभु को नहीं दिया, बात समझ में आया, क्योंकि मैं खुद को मैं प्रकाशित कर रहा था। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रियो पवित्र आत्मा का सेवक है हमेशा यीशु मसीह को ऊंचा करेगा, वो कभी भी खुद का बड़ाई नहीं करेगा, यही आत्मा का सेवकाई का फर्क है। आपको सबको याद होगा जब योगना उसका 16:14-15 वह मेरी महिमा करेगा, देखा किसका महिमा करेगा, यीशु मसीह का महिमा, पवित्र आत्मा का सेवकाय का खूबी हो। कई लोग बोलते ना मैं उधर गया तो 10 लोग आया, बीमार लोग था, मैंने सर पर हाथ रखा गिर गया, मरा नहीं, मरना चाहिए था, मर गया एक प्रकार, मरा हुआ ही गिरता है, हैं? ओ चंगा पाया मैं यीशु मसीह यही नहीं, और प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा, यीशु का नाम लेगा। देखो है ना, अभी भी लोगों को बहुत लोगों को
प्रभु यीशु मसीह बाल यीशु है, इसलिए माँ के पास जाता है मरियम को पूछने के लिए। देखो कितना भयंकर बात है, उसको भी आराम नहीं देगा, कितना परेशानी करता है। तो सबसे बड़ी बात है हमें ये बात को जानना, प्रभु वचन नहीं जानेगा तो है ना, प्रभु के जीवन में जीवन बिताने का अर्थ जानना बहुत जरूरी बात है। उस जीवन में जीते हुए वो जीवन में जो काम करता है, इसलिए प्रभु ने बोला जो दाहिने हाथ से करता है वो बाएं हाथ भी ना जाने पाए। प्रभु हम लोग जो भी त्याग करता है वो त्याग एक्चुअली प्रभु हमारे में होकर करता है। हम जो भी कष्ट सहता है वो हमारे में प्रभु करता है। हमारा तो खत्म हो गया ना, हमारा हमारे बारे से कुछ भी नहीं रह गया। प्रभु में आने के बाद में इस अनुभव में जब तक नहीं आता प्रभु में जीने का अर्थ नहीं समझेगा। इसलिए प्रश्न पौलुस ने गलातियों 2:20 में क्या बोला कि मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ा गया, अभी मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह मुझ में जी रहा है। प्रियो यही तो बात जानना है, आज भी हम मसीह में प्रभु में मुझ में कौन जी रहा है। प्रियो ये बात को हमें रोज परखना है। आज भी बहुत लोगों को अवसर मिलने के बावजूद भी उनको चारपाई अच्छा लगेगा, नहीं तो है उनको मानव शरीर का ताकत अच्छा लगेगा, जिम्नेशियम में जाएगा चलने के लिए, वो मॉर्निंग वॉक जाएगा लेकिन मीटिंग में नहीं आएगा। प्रियो वो लोग शारीरिक लोग हैं, वो लोग आत्मिक जन करके कभी नहीं कर सकते। बाकी सभी बातों के लिए उनके पास टाइम है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है ना। वो व्यक्ति का उद्धार हुआ है कि नहीं मेरे को डाउट है। प्रभु को स्थान नया देते हुए शरीर के ऊपर, आपको सबको मालूम है ना, जब रोमियो 8:6 क्या बोलता, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मृत्यु है। ऐसे लोग उधार पाया करके भी नहीं बोल सकता भी। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में हम प्रभु का वजन के द्वारा परखना, हम किसी का न्याय ना करना। हम ये बात बोलने के समय में कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उनके स्वभाव में अभी तक मनभराउट हुआ ही नहीं, उनकी जिंदगी में कभी मनभराउट हुआ ही नहीं। भाई में डुक्की लिया नया जन्म पाया बोल के प्रभु में ले रहा है, ऐसा लोग प्रभु के उठा ले जाने के बाद में भी एलियंस आया बोलेगा क्या समझा इन लोगों को धोखा देने के लिए आज दुनिया ऐसा ड्रामा खेल रहा है। प्रियो सब लोग इन बातों को नहीं समझेगा, लेकिन जो बुद्धिमान है, कौन है प्रभु का दृष्टि में बुद्धिमान, मेरा वजन सुनकर वैसा ही करता है ना। बहुत बड़ी बात है, आज जीवन में बहुत लोग ठोकर कह रहे हैं ना। होशिया नबी भी ऐसी एक बात है, होशिया 14:9, होशिया 14:9 जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बुझ सकेगा। देखा, जो बुद्धिमान और जो प्रवीण वही इन बातों को बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे है और धर्मी उनमें चलते रहेंगे परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। देखा, अपराधी पापी इसमें नहीं चल पाएगा, ठोकर खाकर गिरेगा है ना। कितना सत्य चेतावनी है प्रियो है ना, बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे पहला पत्रोस 2:8 में भी ऐसे एक शब्द है ना, बहुत सुंदर वजन है पहला पत्रोस 2:8 और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर, वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। देखा, वचन को ना मानकर ठोकर खाता है। प्रियो प्रभु हमें कितना भरपूर वचन देता है, लेकिन वो वचन हम मानते हैं क्या, वो वजन हमारे लिए कुछ है क्या, ये बात को जानना पड़ेगा, ये बात को जानना है ना। देखो हम लोग कितना अंध का अंध समय में है, अभी किसी के ऊपर दबाव करने का, अभी मैं आपको बोलता ना, हम किसी को समझाने के लिए भी जाता है तो वो लोग और बिगड़ जाता, उनका मन कठोर हो जाता, क्योंकि वो ऐसे समय में आ चुका है दुनिया। जब प्रकाशित वाक्य में आखिरी वजन क्या बोलता, जब 22:11 बस पूरा छूट रहे उसके लिए, अभी तुम्हारे पीछे लगूंगा नहीं भाई, क्योंकि तुमको कितना भी समझाता है तो भी तुम समझता नहीं, तू अपना चाल चलन में। अभी हमारे पीछे पीछे से क्या क्या बुराई बोल रहा है आपको क्या मालूम, अपन समझाते जाता है वो अपने बारे में बुराई बोलते रहेगा, क्योंकि उसको सुधरना ही नहीं।
अन्याय करने वाले अन्याय करते रहो और जो मलिन है वो मलिन बना रहे और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देखो पवित्र लोग प्रियो उस पवित्रता में बना रहना, आप कभी मतलब टोकर नहीं करना, धोखा नहीं करना, परंतु ये दुनिया के लोग ना ये अपने ही करने वाले लोग वो बात को नहीं समझेगा। उनका बारे में एक ऐसा एक शब्द प्रभु का वचन में हम देखता है 92 का 6 वचन पढ़ना, 92 का 6 वचन बहुत सुंदर वचन है। कैसे समान जानवर है पशु समान मनुष्य वो नहीं समझेगा। देखा इनको ये बातें बताकर समझाने के बावजूद इतना लोग क्या ना हमारे अपने मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो क्या बोलेगा, अरे मेरे को बहुत बड़ा काम था, कोई काम नहीं था, झूठ बोलता है। हैं कितना भयंकर बात है। हम लोग देखो सच में प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेगा तो प्रभु के जीवन से जिएगा तो हर कदम में हर बात में हम प्रभु को प्रथम स्थान देंगे। बाकी लोग बहाना बोल करके प्रभु को जीवन में कोई भी स्थान नहीं पियो ऐसा धोखा खाने वाला लोग है। एक्चुअली वो शारीरिक लोग है, वो आत्मिक बातों को समझ ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक दिखावा करता है ना। उन लोग ऐसा फालतू ऐसा डिमांड जैसा अभी मतलब मरियम ने तेल उंडेला ओ उधर सुगंध आया ओ सबसे पहले निष्क्रिय तो यूदा लीडर था, बोला ओ मरियम मरियम बेकूफ है, मरियम ने बहुत मुर्दा किया, ये तो बेच करके गरीबों को देता तो है ना, मानो कम से कम 300 दिनार मिलता था है ना, इतना पैसा कितना गरीबों को हम दे सकता था, मतलब एक दो लोगों का शादी भी करके देता था, इतना अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन ये मरियम ने क्या बर्बादी किया, इतना इसे डालने से क्या हो गया, प्रभु ने बोला उसने जो कर सकता है मार्ग से मिल, प्रभु जिसका तारीफ करता है उसका दुनिया निंदा करता है। देखो प्रियो प्रभु का दृष्टि में हमारा काम कैसा है, प्रभु हमारे बारे में हमारे काम के बारे में क्या कहता है, ये गवाही सुनना है। वो गवाही सुनने वाला का नहीं क्या प्रियो, समय एक तो नस्तिक है, अभी भी अगर बात को नहीं समझेगा तो बहुत खतरा है। हमें प्रार्थना में सचेत रहना, प्रार्थना में सचेत ना रहने का कारण या मतलब आत्मीय में गिरने का मेन कारण प्रार्थना में सचेत ना रहना है, उसके बारे में मध्यस्थी प्रार्थना के बाद समय तो आपको बताएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रियो, वास्तव में हमें सावधान रहना क्योंकि समय निकट है, समय निकट है, किसी प्रकार का भी ऐसा धोखा में बढ़ करके हमारे आत्मीय जीवन को नष्ट ना करें प्रियो। अनंतता का दर्शन में प्रभु का बुलाहट का योग्य जीवन बिताना, प्रभु का योग्य जीवन बिताना, सुसमाचार का योग्य जीवन बिताना, ये बुलाहट पाया हुआ हमारे कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो। प्रभु के वचन को सही रीति में जानो और उसको अमल करो, फिर बने रहो क्योंकि हमारे प्रभु जल्द आ रहे हैं, और जो प्रभु हमारे जीवन में कर पाया उसका हमें इनाम मिलेगा। हम प्रभु को रहने का मंदिर है, प्रभु का कार्य करने का हमारे प्रभु का एक योद्धा है हम लोग, प्रभु हमारे में काम करना है, हमने काम नहीं करना, प्रभु को करने दो उसका हमें इनाम मिलेगा। तो कहां तक हम प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पण कर देता है, प्रभु के उपयोग में हम आता है, उसके अनुसार आनंददायक का प्रतिफल है। इसलिए अपने जीवन में देखो प्रियो, पवित्र आत्मा में बहुत बातों में अगुवाई करता है, उस अगुवाई के अनुसार प्रभु का काम हमारे जीवन में होते रहेगा तो उस दिन हम बहुत बड़ा सम्मान पाएगा, बड़ा तोहफा पाएगा, बहुत से महिमा पाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा और सबको और भी बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु के रूप बनने में सहायता करे, प्रभु को सारा महिमा।